बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैन शमसी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक फ़ूड रेसिपी लेके आए हैं। ये है क्रिस्पी चिकन फ्राइड रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है। हमने ये बनाई है लेग और थाइस में, क्योंकि लेग और थाइस में ये फ्राइड चिकन का असल मज़ा है और टेस्ट आता है। बहुत ईजी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये हमने चिकन ले लिए, तकरीबन 2 किलो के करीब ये चिकन है, और ये हमने लेग की साइड का लिया, जो टिक्का पीस होता है उसको दो कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये थाइज़ है और ये लेग है। और अब हम इसको करेंगे ये कि इसको इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, और इतना पानी ऐड कर लेंगे कि ये डिप हो जाए पानी में ना पूरी। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमने पानी से पूरी फिल कर ली, और इसमें हम जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब सिरका ऐड करेंगे। और ये सिरका ऐड करने का इसमें प्रोसेस जो है, ये जो होता है, इसकी वजह ये है कि जो चिकन में जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ही निकल जाएगी। और ये ऐड करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए चिकन को ऐसे ही छोड़ देंगे, और मिलते हैं आधे घंटे के बाद, फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको डिप किए हुए पानी में। अब करेंगे ये कि इसका पानी फेंक देंगे, पानी फेंक के दूसरा पानी लेंगे और इसको बॉयल करेंगे। कितना बॉयल करना है और कैसे बॉयल करना है ये बताता हूँ। पहले मैं पानी चेंज कर लूँ इसका। ये हमने पानी चेंज कर दिया है, और पानी चेंज करने के बाद ये हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसका बॉयलिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपके फ्लेम पे। आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ये 15 मिनट में हाफ डन हो जाएगी। इसको यहाँ पे 50% तक डन करना है, इतना बॉयल करना है कि ये चिकन 50% हो जाए। और इसका रीज़न ये है कि ये चिकन वो अंदर से, अदरवाइज़ आप फ्राई करते हैं तो रेड रेड निकलती है, अंदर से रेड हो रही होती है, तो ये बॉयल करने से वो चीज़ नहीं होगी। ये जो है बड़ी ज़बरदस्त अंदर से कुक हो जाएगी। और हमने इसमें किया ये है साथ में कि 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें, ताकि ये चिकन अंदर से भी फीकी ना हो। और इसको बॉयल करने के लिए रख दिया, तो मिलते हैं ज़रा ये बॉयल हो जाए उसके बाद। ये आप देख सकते हैं कि ये चिकन अच्छे से बॉयल हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और इस पॉइंट पे हमारी चिकन 50% डन हो गई है, और हमें लगे इस पॉइंट पे आने में 15 मिनट, क्योंकि हमारा फ्लेम थोड़ा तेज़ था, आप ये देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है वो चूल्हा कर देंगे बंद, और ये पानी फेंक देंगे, और पानी फेंक के चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम बनाते हैं इसका मसाला जो हमने इस पर मैरिनेट करना है। मसाला बनाने के लिए हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हम तकरीबन हमारी 2 kg चिकन है 2 किलो, उसमें 2 चम्मच डालेंगे हम। इसके साथ हमने 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिया है, और ये पेस्ट आप देख सकते हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जो है वो लाल मिर्च, जो कि 1 टेबल स्पून है। और आप ये मसाला जो मैं बना रहा हूँ, इसको बनाने के बाद इसमें मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें चाहें बाद में तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं जो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिर्च ऐड कर रहा हूँ, ये लाल मिर्च 1 टेबल स्पून आ गई। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, वो भी हम 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, नमक जो है वो हम 1 टेबल स्पून डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। वही मैंने जो पहले कहा कि आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। और दही ऐड करने के बाद हमने ये 2 किलो चिकन के लिए 2 अंडे ले लिए, और अंडे लेके फेंट लिया। इसमें करेंगे ये पेस्ट ऐड इसका। साथ ही हमारे पास है गरम मसाला, जो कि हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद हम ज़ीरा पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम। और सबसे लास्ट में हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम ऐड करने के बाद इस मसाले को जो है वो हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक पेस्ट फॉर्म में बन जाए।
सकते हैं ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे कॉर्न फ्लोर जो कि 3 टेबल स्पून है, और ये इसमें मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर हो गया है इसमें मिक्स। अब चिकन भी हमारी ठंडी हो गई होगी, इसको मैरिनेट करेंगे। अब यहाँ इस पॉइंट पे हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। और इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे मसाले में। इसमें हमने 2 चम्मच मैदा ऐड करके इसको मैरिनेट कर लिया है, और अब हम इसको करेंगे रेफ्रिजरेट, और 2 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करेंगे, और फिर उसके बाद आपको फ्राइंग का प्रोसेस दिखाते हैं इसका। दो घंटे हो गए हमारी चिकन को, और आप ये देख सकते हैं कि ये चिकन हमारी मैरिनेट हो गई थी, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया है, तो चलें इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप चिकन डालने लगे ऑयल में तो हल्का हल्का जो तसले में और जो या उसमें मसाला बचा हुआ वो लगा के साथ डालते रहें। ये आप देख सकते हैं जो हमने पहले पीस डाले थे वो ब्राउन हो गए हैं, और बस थोड़े से और रह गए हैं, फिर उसको निकालेंगे पीस को। तकरीबन डन हो गए हैं, आप कलर देख सकते हैं इसका, बड़ा ज़बरदस्त ब्राउन कलर आया इसका। अब यहाँ हम इन पीसेस को निकाल लेंगे, और इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई फ्लेम पे भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे 50% तो डन हुए हुए ही हैं। हमने इनका बाकी 50% जो है वो कंप्लीट करना है, थोड़ा कलर चेंज करना है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ हम इन पीसेस को जैसे जैसे रेडी हो रहे हैं डिश आउट करते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्राइड चिकन की। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको टेस्ट में कैसी लगी रेसिपी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।